सो आज से 2-3 साल पहले जो सैमसंग था वो अपने जो फ्लैगशिप ग्रेड फोन्स थे जैसे कि एस सीरीज और नोट सीरीज ज़्यादातर इन फ़ोनों में ही ध्यान देते थे। जो मिड रेंज सेक्शन था और जो बजट सेक्शन था उसमें सैमसंग का इतना कुछ खास डिवाइस तब नहीं थे। तो तभी जो 2017 और 18 में जो रियलमी और रेडमी कंपनीज थे उनका जो स्मार्टफोन थे वो अंडर 20,000 बजट सेगमेंट में बहुत ही अमेजिंग डिवाइस प्रोवाइड कर रहे थे। और तभी ये जो दो कंपनीज है ये ज़्यादातर जो मार्केट है वो कैप्चर कर रहा था अंडर 20,000 के बजट में। और ये जो प्राइस सेगमेंट है ना अंडर 20,000 का, ये एक मेजर प्राइस सेगमेंट है क्योंकि इसमें ही ज़्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन्स खरीदते हैं। तो सैमसंग को भी अभी एक कंप्यूटर चाहिए था जो कि इस अंडर 20,000 प्राइस सेगमेंट में स्मार्टफोन्स के मार्केट में कम्पीट कर सके। तो सैमसंग ने क्या किया, 2019 में सैमसंग ने एक नया सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज। क्योंकि इस सीरीज में सैमसंग ने अंडर 20,000 के प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अमेजिंग वाला डिवाइसेस आपको दिया, मतलब आपको इसमें स्पेक्स भी बहुत अच्छा मिलता था, सब कुछ अच्छा मिलता था एक अच्छा प्राइस रेंज में। और अभी 2020 में सैमसंग ने इसी M सीरीज का एक नया अपग्रेडेड डिवाइस लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M31। और ये जो डिवाइस है एक्चुअल में कहूँ तो बहुत ही एक अमेजिंग डिवाइस है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग स्पेक्स मिलता है और ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ इसकी इस परफॉर्मेंस की तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसका जो प्राइस है ना वो भी एक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि इस जगह पे आपको 17,000 रुपीज़ के अंदर ये जो आपको स्पेक्स और परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है इनक्रेडिबल है। आज के इस वीडियो में मैं सैमसंग गैलेक्सी M31 का फुल इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ, इसके प्रोज इसके कॉन्स के बारे में बात करने वाला हूँ और मेरा ओपिनियन क्या है इस फ़ोन के बारे में, क्या आपको ये फ़ोन 2020 में खरीदना चाहिए या नहीं, तो वीडियो को आखिर तक देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 का ओवरव्यू के साथ। तो आपके फ्रंट की तरफ आपको एक 614 इंच का सुपर एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि इन्फिनिटी यू डिज़ाइन के साथ आता है और जो डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है, आपको इसमें जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा एनहांस मिलता है, बूस्ट मिलता है। तो मेरे पास जो वेरिएंट है इसमें आपको 6GB रैम और 128GB का रोम देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक 6000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है और आपको इसमें सैमसंग का ही एक्सिनॉस 9611 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और इसमें आपको जो GPU देखने को मिलता है वो है माली G72 MP3 जो कि एक बहुत ही पावरफुल GPU है। नीचे की तरफ आपको एक हेडफोन जैक, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन और स्पीकर देखने को मिल जाता है और ज़्यादा कुछ आपको नीचे की तरफ देखने को नहीं मिलता। और ऊपर की तरफ आपको एक सिंपल सा सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और कुछ नहीं है। कुल लेफ्ट साइड में माइक्रो एसडी कार्ड और सिम का स्लॉट मिल जाता है और राइट साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। और रियर की तरफ आपको जो कैमरा सेटअप मिलता है ना वो बहुत ही इनक्रेडिबल कैमरा सेटअप है, आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और इसमें आपको जो मेन सेंसर है वो एक 64MP का सेंसर है, एक आपको 5MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, एक 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर मिल जाता है और एक 5MP का मैक्रो सेंसर भी मिल जाता है जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। और आपको एक फ्लैश मिल जाता है जो कि एक ड्यूल टोन फ्लैश है। फ्रंट की तरफ आपको 32MP का एक सेंसर मिल जाता है और ये रहा कुछ सैम्पल पिक्चर्स। इसका जो मेन 64MP वाला सेंसर है उससे आप बहुत हाई रेजोल्यूशन वाला पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं, जहाँ पर आप क्रॉप करते हैं तब भी आपका जो डिटेल्स होगा वो आप लूज नहीं होगा जैसे देख सकते। दोस्तों पबजी ना खेले तो मज़ा किस में, और जैसे देख सकते हैं अभी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स ही है पबजी ओपन होने के बाद HDR और हाई फ्रेम रेट्स में सिलेक्टेड हुआ है। आप इसको HDR में अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ खेल सकते हैं जो कि बहुत एक इनक्रेडिबल बात है, लेकिन इस सेटिंग्स में आपको थोड़ा थोड़ा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल सकता है। मैं तो कहूँगा कि आप HD में अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ खेले, आपको बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देने वाला है ये फ़ोन। और ये फ़ोन मैं ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के ऊपर खेल रहा हूँ फ़ोन
में आपको कोई हीटिंग इश्यू देखने को अभी तक मुझे नहीं मिला, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका जो प्रोसेसर है एक्सिनॉस 9611, वो एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेसर है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। जैसे देख सकते हैं जो गेम है वो एकदम फ्लुएंटली चला रहा है, कोई भी आपको लैग इशू ओवरऑल गेम प्ले में मुझे देखने को नहीं मिला, बहुत स्मूथ गेम प्ले किया है मेरा। और इसका जो 6GB रैम है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मुझे इस गेम को अच्छे से रन करने में। आप बैकग्राउंड में कोई और काम कीजिए और गेम खेलिए, कोई भी आपको लैग वैसा कुछ इशू देखने को आपको नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। इसका जो प्रोसेसर है इसके साथ जो गेम्स है वो आफ्टरऑल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, जिसकी वजह से आपको जैसे कि पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, ऐसे कुछ गेम्स जो है एसफल 9 हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, जिससे कि आप इस गेम्स को इस प्रोसेसर के साथ बहुत आराम से हाई सेटिंग्स पे रन कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करता हूँ इस सैमसंग का जो वन यूआई 2.0 है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, क्योंकि एंड्रॉयड 10 के साथ जो आपको सैमसंग का वन यूआई मिलता है वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज और इतना ज़्यादा आपको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि मुझे मेरे डे टू डे यूजेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे देख सकते हैं सेटिंग्स के अगर आप इस जगह पर पहुंच नहीं पाते तो आप इसको जस्ट स्क्रॉल डाउन करके आप उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। वैसे भी आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और अगर मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो बहुत आपको स्मूथ और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस मिलता है। इसका जो रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा रिलायबल है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस फ़ोन की प्रोस की, तो इसमें आपको बहुत सारे प्रोस मिल जाते हैं, जैसे कि इसका डिस्प्ले जो है वो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कलर है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। और इसका जो कैमरास है वो इनक्रेडिबल है मैन, क्योंकि इसमें आपको लिटरली जो पिक्चर्स आप कैप्चर करते हैं इस फ़ोन से उसका जो आउटपुट आपको रिजल्ट देखने को मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग है। आपको एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं है फ़ोटोज़ को, क्योंकि इसमें आपको जो AI फंक्शन वजह से आपका जो कलर्स है वो बूस्ट हो जाता है, देखने में आपको फ़ोटोज़ जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसमें आपको मैक्रो लेंस भी मिल जाता है, जिससे कि आप मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, और आपको इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कैमरास में, जैसे कि आपको सुपर स्टडी मोड भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अगर वीडियो कैप्चर करते हैं तो उसमें अगर आपका फ़ोन अगर शेक करता है तो तब भी आपका जो वीडियो है वो शेक नहीं होगा, वीडियो स्टेबल आप कैप्चर कर सकते हैं इस फ़ोन के साथ। और ये काफ़ी अच्छा लगा, सुपर स्लो मो भी आपको देखने को मिल जाता है, 960 फ्रेम पर सेकेंड के सुपर स्लो मो कैप्चर कर सकते हैं। ऑल दो अगर मैं बात करता हूँ इस सुपर स्लो मो के बारे में, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, मतलब कम लाइट में तो आप कुछ सुपर स्लो में इतना कुछ खास कैप्चर कर नहीं सकते। ऑल दो आपको इसमें स्लो मो का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 240 फ्रेम पर सेकेंड का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको एक 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि इस फ़ोन को एक मॉन्स्टर फ़ोन बना देता है एक तरह से। इसमें आपको जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग है। मैं इसको लिटरली एक बार चार्ज करने के बाद 2 दिन तक यूज़ किया, मैंने गेम भी खेला है, YouTube भी देखा है। जब मैंने देखा 2 दिन के बाद, तब तक भी मैं कुछ बैटरी जो है बचा था, भी इस फ़ोन में मेरे ऑलमोस्ट 12% बैटरी तभी बचा था। मैं समझ सकते हैं इसका बैटरी बैकअप जो है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। और इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन है, उस प्राइस में आपको और भी बहुत सारे फोन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है जो कि एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा लगा। तो गाइस, इस फ़ोन में आपको जो पहला कॉन देखने को मिलता है वो है इसका जो बैक का बिल्ड क्वालिटी। तो मैं ऐसा नहीं बोला कि इसका बिल्ड ख़राब है, लेकिन इसका बिल्ड बहुत ही अच्छा है। आपको अगर आप इस फ़ोन को कोई हाथ पे अगर पकड़ते हो तो आपको एक प्रीमियम फील आता है, लेकिन फिर भी इसका जो बैक है ये एक पॉलीकार्बोनेट से बना है। अगर इस प्राइस सेगमेंट में अगर सैमसंग इसमें ग्लास बैक दे देता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर मैं बात करता हूँ दूसरे कॉन्स की, तो इसका स्पीकर, हाँ इसका स्पीकर अच्छा है, आपको इसमें बहुत ही अच्छा क्लियरिटी देखने को मिल जाती है स्पीकर में, लेकिन फिर भी इस स्पीकर में जो लाउडनेस है वो थोड़ा मुझे कम लगा और ज़्यादा हो सकता था। और ऑल दो ये एक सिंगल स्पीकर है, मतलब डुअल स्पीकर भी होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ इस ओवरऑल पैकेज की, तो ये एक
बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पैकेज है। आपको एक मॉन्स्टर फ़ोन मिलता है 6000 mAh बैटरी के साथ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ और एक क्वाड कैमरा सेटअप जिसका मेन सेंसर है 64 MP। इनक्रेडिबल है ना, ये 2020 में एक मॉन्स्टर फ़ोन है और आप इस फ़ोन को ज़रूर से खरीद सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर से पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में आपको एक बेल आइकन देगा, उसको भी दबा दीजिए जिससे आपको मिलेगा मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको लेकर आता हूँ ऐसे ही कुछ नए टेक वीडियोज। तो आज के दिन दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।